नमस्कार दोस्तों, मैं रजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है बड़ा खास होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत खूबसूरत राग के बारे में बताना चाहूंगा। राग कुछ ऐसे है, सद बाकी सारे शुद्ध लगते हैं। और राग भैरव अपने ही थाट का राग है दोस्तों। इसके बाद इस राग की जाति है संपूर्ण संपूर्ण। ये राग का गायन समय है सुबह का, 4 से लेके सुबह 9 बजे के बीच। अगर सुबह ये राग गाओगे तो माहौल कुछ और हो जाता है। इसका वादी स्वर सर, इसका वादी स्वर है धा और संवादी स्वर है रे। तो दोस्तों, आरोह कुछ ऐसे हैं, पर मैंने जो स्टार्टिंग में जो गाया वो राग का चलन था। कभी भी राग गाओ आरोह अवरोह पकड़, किसी भी स्टूडेंट को इस गाना है तो आरोह अवरोह पकड़। सरे बात दोस्तों, आपने क्या गाना है, सारे का सा सारे का मरे सा सा
तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इस राग में मैंने 32 मात्रा की तान अटकाई हुई है। कैसे अटकाना है, लगाना कैसे है, सम से उठेगा पहली तान सम से है, दूसरी तान सम से रे सा रे सा गा मा रे सा नी सा रे सा गा मा रे सा गा मा रे सा नी सा रे सा गा मा धा मा सा मा रे सा गा मा धा मा नी धा मा मा गा मा धा मा सा मा रे सा गा मा धा मा नी धा मा मा सा नी धा मा धा मा रे सा गा मा धा मा सा मा रे सा जागे जागे पा को रे सा ओरे भाई जागे जागे पा को रे सा स्वास स्वास सुमेरे राम करते जो तेरे सगर काम मार ध्यान से कर तीसरी तान सम से का मदा ल धम रे सा रे रे सा सा धम रे सा मग रे सा म धम म धम रे सा धम रे सा धम म धम रे सा धम म सा रे धम म धम रे सा 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 और भई जाग जाग पाओ हो रे सा और भई जाग जाग पाओ हो रे सा पामा दम दम रे सा रे सा सा नी रे सा सा गा रे सा सा मा गा रे सा पामा दम दम रे सा गा मा रे सा गा मा दम नी दम मा मा सा नी दम मा सा रे सा गा मा दम दम रे सा गा मा दम दम रे सा और भई जाग जाग पाओ हो रे सा चौथी मात्रा सम से तान है, सारे गड़े रे ग म ग ग म प म म प ल म ग ल म म ग रे सा ग ल ति ग म म ग रे सा ग ल ति ग म म ग रे सा ग ल ति ग म म ग रे सा ग रे म ग प म ग प ल म म ग रे सा ओ भई जाग जाग पाओ हो रे सा ओ रे भई जाग जाग पाओ हो रे सा।
सबसे रे सा रे सा गा मा रे सा गा मा पा मा गा मा रे सा गा मा पा मा गा मा रे सा गा मा पा मा गा मा रे सा सा नि धा मा गा मा पा मा सा नि धा मा गा मा धा मा गा मा धा मा गा मा रे सा नि सा रे रे सा गा मा धा मा गा मा रे सा जाओगे जाओगे पाओ को ना रे दोस्तों तान गाने की टेक्निक क्या होती है? अगर बंदिश एक गुण ये चल रहा है भाई जाने तान डबल पाएगा अगर बंदिश का जो ताल है एकुण में कर रहे हैं नी सा गा मा री रे सा सा पा मा गा मा रे रे सा सा पा मा गा मा गा मा रे सा रे सा सा रे रे सा सा गा मा रे सा नी सा रे सा सा नी रे सा सा री रे सा गा मा धा धा गा मा पा पा गा मा रे रे गा मा रे सा नी सा सा री रे सा बोल भाई जाने जाने पाओ बोल रे सा तो दोस्तों ये मैंने राग भैरव के बारे में आपको गा के बताया। थ्योरी में तो बहुत कुछ था बताने के लिए, गाते हुए बहुत कुछ गलतियां हुई हैं, पर फिर भी एक आइडिया देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। क्या होता है ना, जब कैमरा ऑन होता है ना तो दिमाग से सब कुछ गुल हो जाता है, तो ये लिखा हुआ भी काम नहीं आता दोस्तों। और कहाँ भटकता है आदमी और कहाँ पहुँच जाता है। मेरी गलतियों को इग्नोर करना है, जितना सिखाया अच्छा सिखाया, और अगर कहीं ना समझ आए तो पूछ लेना। अगर कोई गुणीजन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी गलतियों को माफ़ करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।